सो अगर आप वेजिटेरियन हो तो दिस वीडियो विल मेक यू वेरी हैप्पी एंड वेरी डिलाइटेड, एंड इवन आपका सोल भी डिलाइट हो जाएगा कि वेजिटेरियन फूड कैन बी सो इंटरेस्टिंग एंड सो गुड एंड इन दैट टू इन अ रॉयल वे. सो गाइस हम लोग आए ITC रॉयल बंगाल के अंदर, एंड यहाँ पे एक प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है जिसकी खासियत क्या है कि जो लोग बनाते हैं सर्व करते हैं सारा स्टाफ बचपन से लेके अब तक वेजिटेरियन है. दैट्स व्हाई दे कॉल देम द ऑनेस्ट वेजिटेरियंस. मतलब और मेरे ख्याल ये है कि अगर आप वेजिटेरियन हो तभी आप वेजिटेरियंस को अच्छा खाना बना के दे सकते हो. अगर आप नॉनवेज बनाते हो तो यू कांट एक्सपेक्ट कि आपको वो लौकी का डिश लौकी का फील होएगा, करेले का डिश करेले का फील होएगा, तो वो प्यार नहीं होता उन वेजिटेबल से. तो आई ट्रूली बिलीव इन द कॉन्सेप्ट. हमारे साथ है शेफ वरुण मोहन जो इसके केयर टेकर ऑफ दिस आई वुड से रेस्टोरेंट है, जो मैनेज करते हैं ये सारी कुजीन जो पूरे रॉयल फैमिली से इन्होंने लाके एक रेस्टोरेंट में कन्वर्ट करी है. थैंक यू. वेलकम सर. नाउ विद दिस शहर वाली कुजीन वी सर्व केवड़ा जल. दिस इज केवड़ा जल. केवड़ा जल इज वेरी कूलेंट फॉर योर, आपका बड़ा ठंडक हो जाता है आपके सिस्टम में. तो इनके खाने के साथ ये केवड़ा जल शहर वाली खाने के साथ जाता है. okay. इसको ब्रिंग करके देखिए तो यू विल फील केवड़ा वही चीज़ है जो बिरयानी में बड़े फेमसली डालता है. छुआरा मामला. छुआरा मामला ये फ्रेश डेट है भरा हुआ है और इसके ऊपर मोनोफ्लोरा हनी है. सिंगल फ्लावर का शहद है. ओके. और इस और ऊपर से प्योर सिल्वर लीफ लगा है जो कि 100% प्योर वेजिटेरियन है. आप इसको लुफ्त उठाइए, इसका खा के देखिए. इसको स्पून से खाओ. हम तो कहते हैं फिंगर से खाएं. अच्छा. तो अपेरेंटली जो ये आपने मीठा पहले खाया, द मेन थिंग ऑफ ईटिंग स्वीट इज ये आपके पेट पे ठंडक पहुंचाता है और ये जनरली बिल्ड अप द एपेटाइट आने वाले खाने के लिए, एक आपकी आपकी डाइजेशन अच्छी करता है. इसलिए हम हमारे इंडियन क्यूजीन के अंदर मीठा बहुत ज़रूरी है और वो भी मील से पहले. और इन शहर जो शहर वाली की मील है, हम खट्टे की पकौड़ी से शुरू करते हैं. ओके. बेसिकली अगेन इन्फ्लुएंस ऑफ बंगाली बेसन का ये पकौड़ियाँ बनती हैं इन स्वीट एंड सार वाटर विच इज़ टैमरिंड का इमली का खट्टा मीठा पानी है जिसमें कि ये बेसन की पकौड़ियाँ डली हुई हैं विद रोस्टेड जीरा. आप पी के इसका आनंद लीजिए. वेरी नाइस. अभी कुछ कॉन्डिमेंट्स हैं. ओके. जो कि शहर वाली मील के साथ जाते हैं. अच्छा. ये है आम की लौंजी. आम की लौंजी. फिर ये नींबू है जो कोलकाता का गोंदराज लेमन है. फिर ये मिर्च की कुटी है और खीरे की ये केले की राड़ी है. ये बेसिकली ये हरी मिर्च को हम फ्राई करते हैं विद थोड़ा जीरा अपना पंचफोरन. आई नोटिस कि ये जो ब्रेकफास्ट कोलकाता में मिलता है उसके साथ हर एक का ये देते हैं. तो ये लोग नमकी के साथ भी देते हैं और क्लब कचौड़ी के साथ भी देते हैं. तो दिस इज़ वेरी इंडिजीनियस टू कोलकाता. बिल्कुल. देन ये आम का लौंजी जो है कि ये शहर वालों का हर मील के साथ, अगर कुछ हो घर पे खाना रोटी के साथ भी ये खाया जा सकता है या परांठे के साथ, ये उनको बहुत पसंद है. तो ये नींबू, इनको बहुत हर खाने के साथ नींबू भी ये पसंद करते हैं तो इसलिए हम एज अ अकम्पलीमेंट नींबू एक एसिडिटी ऐड होता है जी. प्लस ये हमारे रॉयल वेयर के कुछ अकम्पलीमेंट्स हैं जिसमें कि के सांगरी अचार है. फिर उसके बाद ये है अदरक जो कि नींबू के पानी में सोख है. और इसमें ये जो गुलाबी रंग की चीज़ का है ये अदरक से ही. ओके. का नेचुरल कलर है. ओके. जो कि जैसे ही आप इसमें लेमन डालेंगे तो एक ये अपना पिंक कलर का एक रिएक्शन होता है, पिंक कलर छोड़ जाता है. और फिर उसके बाद है ये पाचक है, कटबेल का पाचक. कटबेल का पाचक जो बेल बेल गिरी होती है उसको सुखा के, जो शिवजी पे चढ़ती है उसको सुखा के, वो बहुत अच्छा डाइजेशन का काम करती है. तो इसके अंदर हमारा त्रिफला, हींग, अजवाइन और कटबेल और काला नमक.
काफ़ी डिटेल रिसर्च करके आपने बनाया है। हर चीज़ जो भी आप रॉयल वेगा में जी ले खाएंगे, जिस चीज़ का आप अनुभव करेंगे, वो हर चीज़ डिटेल में है। बूंदी रायता, बूंदी रायता, बूंदी रायता है। ये है भुट्टा चुरमुरा, भुट्टा इस वक्त सीज़न में है तो, और लोकल है तो इसलिए ये भुट्टा चुरमुरा है। ये आप जो अब चखने जा रहे हैं ये है भुट्टा चुरमुरा जी। भुट्टा चुरमुरा बेसिकली ये फ्रेश भुट्टे के दाने, शिमला मिर्च, टमाटर और हरी मिर्च और नींबू के साथ, प्लस यहाँ का बड़ा स्पेशल काला मसाला एक बनाते हैं, उसमें उससे हम इसको ड्रेस करते हैं, और ऊपर से हम एक ये सेब रॉयल वेगा के अंदर बनाते हैं, उसको क्रिस्पनेस के लिए हम ये डालते हैं भुट्टा चुरमुरा में। तो बेसिकली भुट्टा चुरमुरा, क्रिस्पी भुट्टा, तो ये आपको क्रंचीनेस दे रहा है, ये आपको खट्टा बना दे रहा है। टमाटर इसके अंदर आपको मीठा सा स्वाद दे रहे हैं, मिर्च थोड़ी तीखी पंजेंसी दे रही है। तो मैंने जैसे आपको अभी मैं बोल रहा था, जो हमारे 6 फ्लेवर्स हैं वो सारे इस डिश के अंदर हैं, पर इसका जो मेन फ्लेवर है वो है खट्टा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल फ्लेवरफुल है, काफ़ी मज़ेदार है। आई थिंक सेव इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, जो वेरिएंस वगैरह एक अच्छा सा क्रंच देते हैं। और ये सेव अगेन यहाँ के चना, बहुत बेसन, बहुत बढ़िया चना बंगाल में होता है, इसलिए उसे बंगाल ग्राम जो हम कहते हैं वो कचौरी। ये बड़ी स्पेशल कचौरी है जो कि शहर वाली की है, इसे कहते हैं खीरे की कचौरी। खीरे को हम दही के साथ मिला के इसकी एक कचौड़ी बनाते हैं, और ये खीरे की कचौड़ी, खीरे की कचौड़ी इस खाने के साथ खाई जाती है। अंदर देखिए ये खीरे का स्टफिंग भरा, आई थिंक ये दाल का कद्दूकस करके, खीरे को कद्दूकस करके, खीरे को कद्दूकस भून के, फिर इसका ये खीरे की कचौड़ी पुदीना चटनी के साथ खाई जाती है, तो और इसका एक अलग ही टेस्ट है। ये शहर वाली कुजीन की एक बहुत हाईलाइट। ये सब देसी घी में बना हुआ है? सब हमारे यहाँ सिर्फ देसी घी और मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करते हैं, और कोई दूसरा ऑयल वी डोंट यूज़। काफ़ी हमारे चैनल में बोल चुका हूँ कि देसी घी इज़ वेरी हेल्दी एंड सो इज़ कच्चे खाने का मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, एंड साउथ में अगर आप जाओगे तो कोकोनट ऑयल, ये तीन चीज़। और सेसमी तेल, पीनट ऑयल, पीनट ऑयल। तो जिस रीजन में आप वो वाकई अब लोकल ऑयल यूज़ करोगे प्रोड्यूस का, तो आपकी सेहत के लिए एनवायरनमेंट के हिसाब से अच्छा है। रिफाइंड ऑयल ना खाएं, रिफाइंड ऑयल ना खाएं, रिफाइंड ऑयल क्योंकि उसमें कैटलिस्ट बदल के वो उसे क्लियर करते हैं, तो इसलिए उसको अच्छा नहीं होता। परवल दम, ये परवल का दम है। परवल एक कैलकटा रीजन का बहुत फेमस वेजिटेबल है। ओके, तो ये एक टमाटर ग्रेवी के अंदर इसको बनाते हैं शहर वाली कुजीन। ओके, तो ये हमने उनसे सीख, उनसे उनके घरों में देख के ये बनाया है। ये काले चने का वो सब्जी एक बनाते हैं। ओके, तो ये काले चने की एज अ दाल, इट्स अ वेरी लाइट, वेरी लाइट एंड हेल्दी, वेरी लाइट। इसमें मेगा लहसुन प्याज कुछ नहीं है? कुछ नहीं, ये बिकॉज ओसवाल जैन से इंस्पायर्ड खाना है, तो वो लोग बिल्कुल वो नहीं करते। ये शिमला मिर्च का तरकारी है। ओके, ये शिमला मिर्च और हींग और जीरे के साथ बना हुआ, और फ्रेशनेस देखिए क्या हरापना है शिमला मिर्च के अंदर। ये गट्टे का सब्जी है जो कि दही की, जैसे लगे मारवाड़ी कड़ी, मारवाड़ी कड़ी नहीं, गट्टे का, गट्टे, गट्टे का, गट्टे का कड़ी, गट्टे का कड़ी, इसे गट्टे कहते हैं। तो पूरे फूड में लहसुन और प्याज नहीं है, बिकॉज इट फ्रॉम द रीजन विच लौकी मटर। ये अलग एक और हेल्दी चीज़ है, लौकी और मटर की सब्जी। तो आप देखेंगे ये बड़ा ही यूनिक और डिस्टिंक्टिव फूड है। आप जैसे और जगह भी आपने वेजिटेरियन खाना देखा होगा, करी में लिपटा हुआ और तरीके पर, ये आप देखिए एक एक चीज़ अपने अपने आप को अलग से बोल रही है, अपने आप को अलग से डिस्टिंक्ट। तो साथ में पूरी है ये, तो गाइस शुरू करते हैं, पहले थोड़ा परवल खा के देखते हैं। क्रिस्पी
किस किस को परवल खाना पसंद है कमेंट करके बताओ। तो ये शिमला मिर्च की सब्जी, हमने पहले चने की सब्जी खाई थी, शिमला मिर्च है जिसमें तड़का जो भी लगा हुआ है, इसमें कोई लहसुन प्याज का नहीं है। खास बात यह है कि जिस चीज़ की सब्जी है उसका प्योर टेस्ट है शिमला मिर्च। जब शिमला मिर्च का मतलब डिवेटेड टेस्ट नहीं है, कोई सप्रेस नहीं हो रहा टेस्ट शिमला मिर्च का। जैसे गट्टे की सब्जी, दिस इज लौकी एंड मटर की सब्जी, आई ऑल्सो कॉल दिस एवेंजर की सब्जी, एवेंजर्स की। आप बताओ क्यों? वेरी नाइस। जैसे पुलाव, जैसे वेजिटेरियन पुलाव, सिंगाड़ा है, वाटर चेस्टनट, ये उसका पुलाव है। बिकॉज आलू तो खा नहीं सकते जेंट्स, वो भी जमीन के नीचे उगता है। Now let me enjoy the food with this crispy puri. And then you put the sabzis in that. Okay. So this is a way to eat it. तो मैं पहले Avengers वाली सब्जी मतलब लौकी वाली सब्जी डाल रहा हूँ। Then I'm putting the chanas because nothing like chanas. Then green chilies. हल्की सी। Then I would say this and just to give that fragrance. Very nice. Look there, hari mirch ko zyada dal diya, but the taste is very good. Super. I think this is made from pure suji. This is a brand in the, I think, pitti dal rakhi hai. I think isko main capsicum ka khaunga. Very nice. Aap bhi aise galti mat karna jaise humne ek puri waste kar di already. Super texture. The taste of the pulao is very good. The water chestnut pulao. पहली बार खा रहा हूँ water chestnut, मतलब सिंघाड़े का पुलाव। I think जो बाकी रॉयल कुजीन बनती है उसमें लहसुन प्याज होता है सिर्फ, बिकॉज दिस इज फ्रॉम द रीजन विच इज़ नोन फॉर राजस्थानी जैन फूड विच हैव अडेप्टेड टू द बंगाली कल्चर ट्रेडिशन। तो दिस डजन हैव अ, अगर आप यहाँ पे आओ तो सारा फूड लहसुन प्याज के बिना नहीं होता। वही ना मेन्यू जो हम आज खा रहे हैं जैसे लोकल शहरी, व्हाट इज इट, शहर वाली, लोकल शहर वाली इज द फूड विदाउट लहसुन एंड प्याज। एंड ट्रस्ट मी भाई, तू तो रुक जा, गिरियो मत अब। तो ट्रस्ट मी, इससे अच्छा मैंने बिना लहसुन प्याज के खाना वेजिटेरियन नहीं खाया। थैंक यू फॉर नॉट ग्रोइंग अगेन। ऑन दैट नोट, दिस इज योर होस्ट निखिल चावला, सी यू इन अनदर HMM वीडियो।